हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। पहले हमने एक वीडियो करी थी जिसके अंदर हमने आईपैड के ऊपर स्टेंसिल कैसे बनाते हैं वो कवर किया था। सो बेसिकली एक स्टेंसिल को बनाने के लिए आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है हैंड ड्राइंग मेथड, जिसके अंदर आप पेंसिल या फिर पेन लेते हो और हाथ से थर्मल पेपर के ऊपर स्टेंसिल बनाते हैं। जो दूसरा मेथड होता है दैट इज़ अ फोटोकॉपी फिल्टर मेथड, जिसके अंदर हम लोग फिल्टर गैलरी के अंदर जाते हैं और फोटोकॉपी फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं और उससे हमारे पास डायरेक्टली एक इमेज का स्टेंसिल आ जाता है। और जो थर्ड मेथड होता है वो होता है किसी भी स्टाइलस के साथ किसी भी टैबलेट के ऊपर, जो ड्राइंग टैबलेट होता है उसके ऊपर आप स्केच करते हो एंड देन यू गेट योर स्टेंसिल। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एप्पल का आईपैड होना चाहिए, आप कोई और टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लिनोवो का या फिर सैमसंग का, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक ड्राइंग टैबलेट है और आपके पास एक स्टाइलस की ऑप्शन होनी चाहिए। सो इस पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्पल आईपैड 12.9। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेटेस्ट आईपैड होना चाहिए, मेरे पास जो सा आईपैड है दैट इज़ अ 2015 मॉडल 12.9 इंचेस आईपैड प्रो और मेरे को उसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया एंड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और सारे सॉफ्टवेयर्स आराम से चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट आईपैड की ज़रूरत हो, आप एक बेसिक स्टार्टर आईपैड से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडियो में जो मेगा हैं वो यूज़ करती हैं बेसिक आईपैड का मॉडल, दैट इज़ रफली अराउंड 27,000 to 30,000 रुपीज़ और उसमें भी सारी एप्लीकेशंस बहुत आराम से चलती हैं। सो जो एप्लीकेशन मैंने लास्ट टाइम अपने आईपैड ट्यूटोरियल में यूज़ करी थी दैट वॉज स्केचबुक प्रो, बट इस वीडियो के लिए आई एल बी यूजिंग प्रो क्रिएट ऐप और रिसेंटली मैं ज़्यादातर स्टेंसिल प्रो क्रिएट ऐप के अंदर बना रहा हूँ बिकॉज इस ऐप के अंदर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं पेंस और पेंसिल और ब्रशेस को यूज़ करने की। क्योंकि जब हम स्केचबुक को यूज़ करते हैं तो उसमें जो पेंस और ब्रशेस होते हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हैं, आप अपनी तरफ से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो ब्रशेस को। और प्रो क्रिएट के अंदर आप ऑनलाइन जितने भी ब्रशेस अवेलेबल हैं प्रो क्रिएट के वो सब डाउनलोड कर सकते हो और उनको सेव कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो के पर्पस के लिए आई विल बी डूइंग अ लॉर्ड शिवा टैटू का स्टेंसिल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोज और इस तरीके से आप मिस भी नहीं करोगे इस टाइप की आने वाली वीडियोज को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, जो ऐप मैं यूज़ करूँगा दैट विल बी प्रो क्रिएट। सो दिस इज द एप्लीकेशन एंड इस वीडियो के पर्पस के लिए आई विल बी डूइंग द स्टेंसिल ऑफ दिस लॉर्ड शिवा। सो जब भी क्लाइंट आते हैं तो मैं क्लाइंट को उनके हाथ पे लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस विल बी द मॉकअप जो मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा, बिकॉज क्लाइंट्स जानना चाहते हैं कि उनके हाथ के ऊपर टैटू कैसा लगेगा। सो आई विल शो इट लाइक दिस एंड इफ द क्लाइंट इज ओके, क्लाइंट को अगर अच्छा लग रहा है देन वी विल स्टार्ट विद द स्टेंसिल प्रोसेस। सो ये अभी मैंने A4 शीट के अंदर लगाया हुआ है स्टेंसिल को और आई प्रेफर मेकिंग द स्टेंसिल ऑन A4 शीट बिकॉज उसी के ऊपर हमें प्रिंट निकालना होता है। नाउ प्रिंटिंग इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो बट लेट्स स्टार्ट विद द स्टेंसिल। ऑलराइट, सिलेक्टिंग द राइट पेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो प्रोक्रिएट के अंदर आपके पास बहुत सारे पेन्स की ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप स्केचिंग में जाके देख सकते हो काफ़ी सारी पेंसिल्स अवेलेबल हैं एंड देन अगर आप इंकिंग में जाओगे तो काफ़ी सारे पेन अवेलेबल हैं। नाउ दो तरीके के पेन हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वन इज़ अ फाइन टिप पेन, द अनदर वन इज़ अ टेक्निकल पेन। सो अलॉन्ग विद दिस जो आप कलर सेलेक्ट कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्लैक कलर सेलेक्ट करोगे और कोई भी लाइन बनाओगे तो आपको एक्चुअल डिज़ाइन के ऊपर पता नहीं चलेगा। सो इसी वजह से हम लोग कोई ब्राइट कलर का यूज़ करते हैं, आई प्रेफर यूजिंग पर्पल बट आपके ऊपर है अगर आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हो। सो यू कैन ईजिली सी हाउ द स्टेंसिल इज़ कमिंग आउट टू बी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजिंग द राइट साइज ऑफ द ब्रश। नाउ कभी कभार होता है लोग बहुत थिक ब्रश को यूज़ करते हैं और फिर अगर आप थिक ब्रश से लाइनिंग करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे ज़्यादा डिटेल्स नहीं ले सकते हम लोग। सो इसी वजह से आपको थोड़ा पतला ब्रश यूज़ करना चाहिए। अब क्या साइज़ होना चाहिए वो एक्चुअली डिपेंड करेगा आपके एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द टैटू के अंदर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम साइड एंड हमने अपना साइज़ ले लिया ब्रश का, हमने कलर ले लिया एंड मेक श्योर दैट यू आर इन अ न्यू लेयर और आप जो आपकी रेफरेंस लेयर है उस पर काम ना करें वरना आपका स्टेंसिल नहीं बनेगा, आप एक्चुअल ड्राइंग बना रहे होगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम पार्ट और जैसे हम लोग हाथ से करते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही लेआउट बनाना है। अपने डार्क एरियाज़ को लाइन से मार्क करना है जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको लाइनिंग करनी पड़ेगी और जो भी आपका शेडेड एरिया है वहाँ पे आपको डॉटेड लाइन बनानी है एरियाज़ को डिफाइन करने के लिए कि कहाँ पे डार्क टोन है, कहाँ पे मीडियम टोन है, कहाँ पे हाइलाइट्स हैं और कहाँ पे आप वाइट करोगे। सो मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाता हूँ डिफाइन करने के लिए कि कहाँ पे मेरे को ब्लैक करना है।
एंड देन यू कैन क्लोज द रेफरेंस लेयर एंड सी कि आपका स्टेंसिल कैसा आ रहा है. ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप ओवर डिटेल्स ना लो. देर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन आप कितनी डिटेल्स अपने स्टेंसिल में चाहते हो. कभी कभार होता है हम लोग सारी की सारी छोटी छोटी डिटेल्स अगर लेने की कोशिश करेंगे तो जब हम एक्चुअल स्टेंसिल का प्रिंट आउट निकालेंगे मे बी थर्मल पेपर पे या फिर इंकजेट पेपर पे तो वो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा और आपका स्टेंसिल पूरा जब स्मज हो जाएगा तो आपको खुद ही डिटेल्स समझ नहीं आएंगी. एट द सेम टाइम आपका स्टेंसिल बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए वरना अगेन आपको डिटेल्स डालने में बहुत ज़्यादा इशू आएगा. नाउ ये तरीका स्टेंसिल बनाने का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज एक्चुअली आप इमेज को रीड कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कहाँ पे आपके हाइलाइट्स हैं, कहाँ पे आपके शेडोज़ हैं, कहाँ पे आपको ब्लैक डालना है. Alright, now when it comes to the face, it is very important कि आप details को बिल्कुल भी miss out ना करो और जो actual shape है आप बस उसी को continue करो. कई लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा lips को change कर देते हैं, maybe बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं और उससे आपका जो end result है वो पूरा damage हो जाता है. Especially the contour area of the face, जो outline है उसको बिल्कुल exactly shape के साथ करना चाहिए. जो भी एरिया मेरे को शेडेड करके करना है या मैग्नम से करना है उसको मैं डॉटेड करके करूँगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू हेयर्स ओनली द फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी अगर आप माइनर डिटेल्स को कम भी करना चाहते हो तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द टैटू दैट यू आर चूजिंग. एंड अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो डेफिनेटली आपको डिटेल्स को भी कम करना पड़ेगा. आईपैड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दैट इज़ आप डिटेल्स सारी ले सकते हो. अगेन इसका एक नुकसान भी होता है कि आप ओवर डिटेल्स ले बैठोगे एंड देन अल्टीमेटली जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो फिर वो स्मज हो जाएगा. So just make sure that you take only the details जो आप उस size के अंदर कर पाओ. So I'll just quickly take very less details on the snake so that we can finish the video a bit more faster. But then when you are making it for the tattoo, जब आप इसको tattoo के लिए बना रहे हो तो just take all the details that you require. Again, this dotted line will denote the edge of the hairs, जहाँ पे मेरे को hairs को ख़त्म करना है. And then the best part about iPad is अगर आपसे कहीं पे भी गलत हो गया, you just tap with two fingers and then you can undo. So it is very easy, आपको कुछ buttons वगैरह नहीं देखने पड़ते उसके लिए.
अगेन आई वोंट बी डूइंग दिस विद लाइंस, बट जस्ट डिनोट करने के लिए मैं इसको स्टेंसिल के अंदर लेना चाहता हूँ. कमिंग टू द आईज पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बहुत ध्यान से करो, अदरवाइज पूरा का पूरा आप जो स्ट्रक्चर है आइज़ का वो ख़राब कर दोगे. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपकी लाइन गलत हो गई है, जस्ट मेक श्योर दैट यू अनडू इट एंड देन आप उसको दोबारा से करो. नाउ बिकॉज ये स्टेंसिल आपने अगर बनाया होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रीड, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग इट यू आर मैपिंग इनसाइड योर ब्रेन व्हाट आर द शेड्स, व्हाट आर द शेप्स, कैसे आप कहाँ पे करोगे. इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क विद स्टेंसिल ऑफ अनदर पर्सन. Now I've marked this line as dotted because I don't want to end up making a straight line, क्योंकि यहाँ पे shade रहेगा खाली. Now this shape is like a triangle, तो मैं इसको triangle में mark करूँगा and then ये जो जगह है यहाँ पे मेरी शायद 30% or 40% black आएगा, so इसलिए मैंने यहाँ पे एक और marking करी है. Now these all the hairs I can do with a 3RL, पहले texture देखे and then I can do it with a magnum or I can just directly do it with a magnum. So it's a personal call, आप इसको कैसे करना चाहते हो. Alright, so once you're done with the stencil, आपकी जो reference layer है आप उसको hide करके देख सकते हो how the stencil came out to be. And then अगर आपको लग रहा है आपने कुछ areas miss करें, then आप उसकी बस opacity को थोड़ा सा down करिए and then you'll be able to see कि आपने कहीं पर कोई चीज़ miss तो नहीं करी है. So in this case हमने कुछ भी miss नहीं किया है and we are good to go. So what we'll do is like we'll hide the reference layer. एंड देन जो हमारा पर्पल लेयर है, बिकॉज हम पर्पल स्टेंसिल नहीं चाहिए, हमें डार्क स्टेंसिल चाहिए, सो वील डुप्लीकेट इट. एंड देन डुप्लीकेट करने के बाद हम ऊपर टूल्स में जाएंगे, वील रिड्यूस द सैचुरेशन ऑफ दिस लेयर एंड देन हम लोग इसके लेवल्स या कर्व्स में जाएंगे एंड देन वील जस्ट डार्कन इट अप लाइक दिस. सो इस तरीके से अगर हम इसका स्टेंसिल निकालेंगे तो ये बिल्कुल डार्क आएगा. सो गाइज आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. हिट द लाइक बटन और लाइक कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सो दैट यू कैन सी मोर ऑफ द वीडियोज़. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज़.